नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। आ रहा है मकर संक्रांति। जान लीजिए एक छोटी सी बात, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं इस दिन कि सालों भर हमारे लिए समृद्धि के द्वार खुल जाएं, जैकपॉट लग जाए, हम करोड़पति बन जाएं, हमारे घर में नौकरी लग जाए किसी की, अटकी पड़ी शादी तय हो जाए, धन आने के स्रोत सारे खुल जाए और हम सब सुखी हो जाए, कोई वाद विवाद ना हो, घर का कोई सदस्य जो झगड़ रहा है हर दिन अब कभी लड़ाई झगड़ा ना करे। क्या इतनी सारी समस्याओं का कोई एक उपाय हो सकता है, वो भी संक्रांति वाले दिन? कुछ हम ऐसा दान कर सकते हैं क्या जिससे हमारे सारे ग्रह एक साथ बैलेंस हो जाए, एक साथ वर्क करने लगे और हमें इतना सारा फल देने लगे? मैं कहूंगी हाँ मेरी बहनों, हाँ मेरे भाइयों, मकर संक्रांति को जान लीजिए ये छोटे छोटे से दान और अवश्य कीजिए। अभी दिन बाकी है, तैयारी करके रखिए और इस साल आपके दिशा और आपकी दशा ना बदल जाए तो कहिए कि दीदी आपने जो बताया हमने किया तो फर्क नहीं पड़ा। अवश्य बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में जो बात बताने जा रही हूँ। आइए बताती हूँ प्रथम वो चीज जो हर हाल में इस संक्रांति को आपको संपूर्ण परिवार की ओर से दान करना है। अब मैंने संपूर्ण परिवार कहा, आप कैसे करेंगे दान? एक बार वो सामान आप निकाल लें और घर का हर एक सदस्य अपने दाहिने हाथ से उस सामान को अपना नाम लेकर छू दे, उसके बाद उस वस्तु का आप दान करेंगे तो वो संपूर्ण परिवार की ओर से दान होगा, चाहे कोई एक भी सदस्य जाकर किसी को दे दे। बात समझ में आ गई? चलिए बताते हैं प्रथम चीज जो इस संक्रांति आपको दान करनी है, वो है 7 मुट्ठी काला तिल। अपने हाथ से भर कर 7 मुट्ठी काला तिल लें। यदि आपके परिवार में 7 सदस्य हैं तो सभी एक एक मुट्ठी डाल दें, जितने भी सदस्य हैं वो लोग एक एक मुट्ठी डाल दें, बस 7 मुट्ठी ही काला तिल हो और सारे सदस्यों से फिर से मुट्ठी से ऐसे करके छू लें। हर दिन जो हम तिल का दान करते हैं, हमारा शनि हमारा मंगल बैलेंस होता है, संक्रांति के दिन किया हुआ तिल का दान आपको 10 गुना अधिक फल देगा और ग्रह सारे हटेंगे, जिससे केस मुकदमे और झगड़े झंझट होते हैं ना हमारे परिवार में सालों भर, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो इस संक्रांति अवश्य करें प्रथम काले तिल का दान। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हर हाल में इस संक्रांति आपको करनी है, वो सप्त अनाज का दान, यानी 7 प्रकार के अनाज आप इकट्ठा कर लें। धान हो, गेहूं हो, चावल हो, मकई हो, चना हो, आप 7 अनाज इकट्ठा कर लें और थोड़ा थोड़ा ही लें, ऐसा नहीं किलो किलो या बोरे से आपको दान करनी है, बिल्कुल थोड़ा, अपने अपनी समृद्धि अपने सक्षम के अनुसार। आप 200-200 ग्राम, आप 100-100 ग्राम भी ले सकते हैं 7 अनाज, 1-1 केजी भी ले सकते हैं। आपको सप्त अनाज मिलाकर अलग अलग रखें, मिलाना दें और परिवार का सभी सदस्यों से हाथ लगाएं और आप उसे दान करें किसी भी धार्मिक जगह पर, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी ऐसे रिश्तेदार को जो स्टेटस में आपसे थोड़ा कम हो। अपने से अमीर व्यक्ति को आपको दान नहीं करना है, फिर वो दान नहीं कहलाएगा। आपको अपने से नीचे तो रिश्तेदार ना भी हो तो कोई ऐसा गरीब व्यक्ति या कोई पास पड़ोस में ऐसा रहता हो जिसको जरूरत हो, तो आप सभी परिवार हाथ लगाकर सप्त अनाज का दान इस संक्रांति करें और देखें कैसे माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी आप पर। जान लेते हैं वो कौन सी तीसरी चीज है जो इस संक्रांति हमें दान करनी है, वो है वस्त्रों का दान। हमें इस संक्रांति किसी भी एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को वस्त्र अवश्य पहनाने हैं, किंतु नया वस्त्र। अपने उतारे तन के कपड़े हम दे देते हैं ना कभी कभी, किसी को नए हैं बहुत, हमने पहनाने, आप पहन लो, वो नहीं चलेगा। इस संक्रांति आपको नए वस्त्र पहनाने हैं और अपने से उम्र में अधिक को, यदि किसी वृद्ध को आप पहनाते हैं, किसी महिला को पुरुष को कुर्ता पैजामा आप दे देते हैं, धोती दे देते हैं या किसी महिला को साड़ी दे देते हैं, तो इस संक्रांति उसका अद्भुत फल है। यदि आपके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है, बड़े लंबे समय से सब इंतजार कर रहे हैं, तो आप इस संक्रांति वस्त्र का दान करके देखिए क्या अद्भुत चमत्कार होता है आपके जीवन में। ये जान लेते हैं चौथी चीज क्या करनी है आपको इस संक्रांति। खिचड़ी बनानी है घर में, सब तरह के अनाज डालकर, घी डालकर, जैसे भी आप टेस्टी सा खिचड़ी बनाएं, अपने परिवार के सदस्य भी खाएं, पर आपको अपने परिवार के सदस्य के अलावा बिल्कुल अन्य कोई व्यक्ति, जो बिल्कुल आपके घर का कोई सदस्य ना हो, उसे एकदम मन भर के भोजन करवाना है खिचड़ी का। यदि ऐसा आप कर पाते हैं
तो शनि की ऐसी कृपा बरसेगी कि चाहे ढैया चल रही हो आपकी या 7:30 चल रही हो, आपको कष्ट बहुत कम होगा पूरे साल। इस संक्रांति आपको खिचड़ी अवश्य खिलानी है किसी अजनबी को। अजनबी मतलब बिल्कुल पहचान का हो सकता है, पर आपके घर का सदस्य ना हो, अन्य कोई हो, आप उसे इस संक्रांति खिचड़ी अवश्य खिलाएं। और सबसे अंतिम और पांचवी जरूरी चीज, आपको मीठी चीज जो गुड़ से बनी हो, गुड़ चीनी नहीं, गुड़ मंगल होता है आपको, और चीनी शुक्र होती है, आपको मंगल यानी गुड़ से बनी कोई मीठी चीज होती है ना, बहुत सारी लड्डू बनती है संक्रांति को, वैसे भी चीजें बनती है, आपको उसका दान करना है। अब किसी को बुलाकर भोजन नहीं कराना, फिर वो तो दान नहीं कहलाया, आपको बिल्कुल अच्छे से पोटली बांध के घर का सभी सदस्य छू दे मीठी से जो चीजें आपने बनाई है, गुड़ से मीठा करके उसे आपको दान करना है। तो आप पंडित जी को दे सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं, आप पहचान वाले में किसी को दे सकते हैं, पर गुड़ से बनी किसी मीठी चीज को आपको दान करना है। मंगल ही है जो पूरे वर्ष चोट लगती है, खून निकलता है, सर फटता है, गाड़ी में धक्का लगता है, ये जितनी चीजें दुर्घटनाएं होती है, रक्त बहता है हमारे शरीर से, यह सब मंगल करवाता है। आपको इस संक्रांति ऐसा योग बन रहा है कि महज गुड़ से बनी चीज को दान करने से आपका मंगल बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ये नव वर्ष का प्रारंभ है, पूरे साल आप पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा। तो मेरी बातें ध्यान से सुने और अवश्य ये 5 चीजों का दान करें इस संक्रांति, और देखें कैसे आपका परिवार खुशहाल रहता है पूरे साल। तो जरूर करें, अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।